राधे राधे आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे भाद्रपद माह की शुरुआत कब होगी और ये माह कब समाप्त होगा। साथ ही जानेंगे ये माह इतना विशेष क्यों है, क्या है इसका धार्मिक महत्व और इस माह में आने वाले व्रत त्यौहार के बारे में। सावन पूर्णिमा के अगले दिन से भाद्रपद के महीने की शुरुआत होती है। सनातन धर्म में इस माह को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस माह में कई अहम पर्व और व्रत किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है इस माह में देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से जातक के जीवन में आ रही सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आइए पंडित जी से जानते हैं इस महीने का क्या धार्मिक महत्व है और पहले जान लेते हैं इस माह की शुरुआत कब से हो रही है और ये माह कब समाप्त होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 20 अगस्त से शुरू होगा भाद्रपद महीना और 18 सितंबर को समाप्त होगा। इसी दिन भाद्रपद पूर्णिमा है और इस दिन से पितृपद की शुरुआत हो जाएगी। भादु सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के साथ शुरू होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस महीने को महत्वपूर्ण माना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद अगस्त और सितंबर के महीने में पड़ता है। भाद्रपद मास पूजा पाठ और व्रत के लिए खास माना जाता है। आइए जानते हैं ये माह इतना विशेष क्यों है। इस महीने में धर्म कर्म के साथ ही सेहत पर भी खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस हिंदी महीने में ऋतु परिवर्तन भी होता है। भाद्रपद महीने में कजरी तीज, बहुला चौथ, हलछठ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, अजा एकादशी और अमावस्या, वराह जयंती, कन्या संक्रांति, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, ललिता सप्तमी, दुर्गाष्टमी, परिवर्तनी एकादशी, वामन जयंती, अनंत चतुर्दशी के साथ कई व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं और इसी महीने में ही 10 दिनों का गणेश उत्सव मनाया जाता है। इसी लिहाज से ये माह बहुत विशेष है और आप जानते हैं इस माह का महत्व। भाद्रपद महीने का बहुत अधिक शास्त्रों में महत्व बताया गया है। इस माह को भादो के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह में भगवान शिव के पुत्र गणेश जी और भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद के महीने में गणेश जी और भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा करने से जातक को सभी कष्ट और दुखों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा भाद्रपद में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों में वर्णन किया गया है कि भाद्रपद के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने, गरीबों को दान करने और व्रत रखने से बहुत लाभ होता है। इस पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाद्रपद में घर पर लड्डू गोपाल की स्थापना करने, शंख की स्थापना करने और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से धन, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही भाद्रपद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संतान गोपाल मंत्र का जाप करने और हरिवंश पुराण का पाठ करने या सुनने से संतान सुखी प्राप्ति होती है। तो ये था भाद्रपद माह का महत्व और अब जानते हैं भाद्रपद माह में कौन कौन से व्रत त्यौहार आ रहे हैं। तो भाद्रपद महीने की शुरुआत 20 अगस्त मंगलवार से हो रही है। इसी दिन से ये माह शुरू हो रहा है और 22 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन संकटी चतुर्थी का व्रत होगा। साथ ही इस दिन कजरी तीज भी मनाई जाएगी और बहुला चौथ भी। 24 अगस्त 2024 को शनिवार है, इस दिन बलराम जयंती मनाई जाएगी जिसे हलछठ के नाम से भी जाना जाता है। और 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन अजा एकादशी व्रत रखा जाएगा। 31 अगस्त 2024 इस दिन शनिवार का दिन है, इस दिन प्रदोष व्रत होगा कृष्ण पक्ष का और पर्यूषण पर्व की शुरुआत होगी।
और 1 सितंबर 2024 इस दिन रविवार का दिन है। इस दिन मासिक शिवरात्रि व्रत किया जाएगा और 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन भाद्रपद की अमावस्या होगी और इसी दिन सोमवती अमावस्या होगी, क्योंकि ये अमावस्या सोमवार के दिन है इसलिए ये सोमवती अमावस्या होगी। इसके साथ ही 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन हरितालिका तीर्थ व्रत होगा और इस दिन वराह जयंती मनाई जाएगी। 7 सितंबर 2024 शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी है और इसी दिन से गणेश उत्सव की शुरुआत होगी। इसके बाद अगला त्यौहार आएगा 15 सितंबर 2024 को, इस दिन रविवार का दिन है। इस दिन प्रदोष व्रत होगा शुक्ल पक्ष का और ओणम तिरुवोणम के साथ वामन जयंती मनाई जाएगी। और 16 सितंबर 2024 सोमवार के दिन कन्या संक्रांति मनाई जाएगी और साथ ही इस दिन विश्वकर्मा जयंती भी है। 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन अनंत चतुर्दशी होगी और इसी दिन गणेश विसर्जन किया जाएगा। इसके बाद 18 सितंबर 2024 इस दिन दिन है बुधवार का। इस दिन भाद्रपद की पूर्णिमा व्रत किया जाएगा और पितृपक्ष की शुरुआत होगी और इस दिन चंद्र ग्रहण भी होगा। तो ये थे दोस्तों भाद्रपद माह में आने वाले व्रत त्यौहार। और अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि इस माह में हमें किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के साथ भगवान गणेश और भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इन सभी देवी देवताओं की पूजा भाद्रपद माह में करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है, अतः आप लोग भी इन सभी देवी देवताओं की पूजा अवश्य करें और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, गणेश जी की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों हम लीवर सोसिस से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो उसकी वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग अवश्य करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।